नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। एमपी के रीवा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राज में जनता को घोटाले मिले। दरअसल रीवा के त्योंथर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम उस पार्टी की संस्कृति से नहीं आते हैं जो झूठे वादे करके गुमराह करके आपको छलावे में डालकर वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड देकर बताते हैं कि हमने आपके लिए क्या किया है। आपको अपने अगले 5 साल के लिए आपके हितों की रक्षा कैसे हो सकती है? कौन व्यक्ति कर सकता है? कौन पार्टी कर सकती है? कौन आपको मजबूती दे सकती है? ये इसके निर्णय करने की घड़ी है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव में इस आधार पर वोट मत देना कि ये मेरा नजदीकी है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी भाषा बोलता है। इन आधारों पर चुनाव में वोट नहीं दिए जाते। वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि कौन आपकी 5 साल तक रक्षा करके आपको विकास के साथ जोड़ सकता है, ये आपका आधार। आज अगर आपने यहां से लोकसभा में जनार्दन जी को भेजा है, आज अगर आपने मध्य प्रदेश से लोकसभा में कमल खिलाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती पकड़ी है और देश आगे बढ़ा है, ये बात हम कह सकते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर गुमराह करके भुला करके आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। और इसीलिए एक जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार अध्यक्ष के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 साल से कांग्रेस और यूपीए की सरकार इस बिल पर बैठी हुई थी। 15 साल से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं था। मैं मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन लंबे समय से ये बिल पड़ा हुआ। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति, महिलाओं को स्थान देना, नारी शक्ति वंदन विधेयक दिल्ली में पार्लियामेंट में 2 दिन के अंदर पास हो गया और अब आने वाले समय में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। मित्रों, आज हम इस्पात में, स्टील में 4th नंबर से 2nd नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। आज हम ऑटोमोबाइल की मार्केट में, गाड़ियां बनाने वाली मार्केट में दुनिया में हम 3rd नंबर पर आकर के खड़े हो गए। ये हमारे विकास की कहानी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और रैलियों का दौर भी जारी है। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कबीरधाम छत्तीसगढ़ में एक महारैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता को चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब वोट डालने जाएं, तब किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने और भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपको वोट देना है। मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी
जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावना बेन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट, आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट, आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त करकर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है, और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। भाई छत्तीसगढ़ के खजाने पर, छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के दलित आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है, मुझे जरा जवाब दो। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता की भलाई ना हो, जो व्यक्ति अपने प्रदेश की जनता के विकास की जगह अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता। यह कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है, कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, अगर ये सारा पैसा दिल्ली चला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? हो सकता है क्या? ये 5 साल में हमने जो 15 साल में किया था उसकी उल्टी गंगा बहाने का काम ये भूपेश बघेल ने किया है। ये गरीबों का पैसा लेकर उनकी नौकरियां बेच रहे हो और पैसा कहां भेज रहे हो? उनके इतने सारे अफसर जेल में हैं, उनको चुनाव में आप वोट न दो इनका डर नहीं है? एक माताजी जेल में है, उनको डर है वो माताजी अपना मुंह न खोल दे वरना मेरा नाम बाहर आ जाएगा, इसका डर है। माताओं भाइयों बहनों, कोरोना का शेष में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के 700 करोड़ जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए आए थे उसका घोटाला किया, और कई सारे घोटाले अभी बाहर निकलना भी बाकी है। भूपेश बघेल, मैं आज कह कर जाता हूं, पंडरिया में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने, इन्होंने कहा था
10 दिन के भीतर 1,80,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। मुझे बताओ भैया, हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? महतारी सम्मान योजना, हर महीने 500 रुपया देना है माताओं, मिलता है क्या? मिलता है? प्रति वर्ष 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देने वाले थे, क्या हुआ भाई? मिलता है बहनों? उन्होंने कहा था 50,000 शिक्षकों का भर्ती करेंगे, वो भी नहीं हुआ। राज्य में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, वो भी नहीं हुआ। बिजली का बिल आधा करेंगे, वो भी नहीं हुआ। सिंचाई का रकबा 5 साल में 2 गुना करेंगे, वो भी नहीं हुआ। 1,000 बेड के नए अस्पताल ट्राइबल क्षेत्र में बनाएंगे, वो भी नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना पर कहा, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम चर्चा करने के बाद उचित निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन उचित सोच विचार के बाद ही निर्णय होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं कि अभी जो 2700 रुपया मिलता है उसमें से 2200 रुपया मोदी जी देते थे, 500 रुपया वो लेट देते थे। अब हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद 3100 रुपया देंगे, तो दोनों भाजपा कर्ज माफी से ज्यादा भ्रष्टाचार कर वो पैसा लेकर चले गए हैं। अगर भ्रष्टाचार न करते तो सब बाकी सब कुछ हो जाता। सरकार जनता कई पहलुओं पर सरकार बनाती है और मुझे भरोसा है कि यहाँ नक्सलवाद की कंट्रोल भी एक मुद्दा है, अच्छी कानून और व्यवस्था भी एक मुद्दा है, किसान और इंडस्ट्री की वृद्धि भी एक मुद्दा है, पारदर्शी भर्ती भी एक मुद्दा है। हमने सारे मुद्दों। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायपुर में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इस देश के संविधान को बचाया और इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। बीजेपी में जेल, आरएसएस का कोई गया है, अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो, और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र को हमने बचाया, इसलिए वहां पर आप बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति संविधान और लोकतंत्र के तहत चल के उन्होंने सब कुछ किया, एक आदमी को भी उन्होंने नहीं सताया, उल्टा उनके वाजपेयी भी तारीफ करते थे, इंदिरा गांधी जी का, नेहरू जी का। लेकिन यहां सुबह उठते ही बीजेपी वाले मोदी जी सबको गालियां देने का एक ही, मैं समझता हूं उन्होंने गालियां देने का एक कारखाना ही खोला। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, बीएल, बीएचईएल और दूसरे दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले, लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले हैं और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास, हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो बार बार ये लोग यही कहते हैं, क्या बोला उन्होंने 2014 में हुकूमत में आने से पहले, भाइयों और बहनों
तुम लोगों को अगर मेरी सरकार आ गई, तुम लोगों को मैं बाहर से जो एक कांग्रेस वाले काला धन रखे हैं वो लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिए, फिर झूठा कौन बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहे हैं आप बताइए? मोदी झूठ, या मोदी झूठ बोलना या नहीं तो तुम झूठ बोलना, लेकर चुप बैठे होंगे। नहीं ना, तो मोदी झूठ बोल रहा है। 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहा है भाई तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? 4-6 हजार नौकरियों के लिए ये जाकर पर्चे बांटते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को जीतना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादा किया वो निभाया है और इसलिए यहां पर कांग्रेस का जीतना निश्चित है। मैं तो अब 3-4 मीटिंग तो की है, तो माहौल ऐसा है कि जनता खुद उठी है और कांग्रेस को जिताना चाहती है और कांग्रेस के लिए वोट भी देना चाहती है, और क्योंकि कांग्रेस ने जो वायदा किया है वो निभाया है, इसलिए सबके दिल में कांग्रेस बैठी है, इसीलिए जीतना यहाँ पर निश्चित है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आरोप लगाया आपके मुख्यमंत्री के ऊपर कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उनको जेल भेजेंगे भूपेश बघेल। देखो, जेल तो उन्होंने जाने वाले हैं, और ये तो डरा डरा के इलेक्शन के लिए हर एक के ऊपर हमला कर रहे हैं। ईडी का आज जो उन्होंने धाट डाला है, क्यों? इससे पहले 2 महीने पहले डालना था, 15 दिन पहले, यानी सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और डरा डरा के लोगों को ये डिमोरलाइज करना चाहते हैं। धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी धर्मांतरण होगा छत्तीसगढ़ में। देखो, वैसे चीजें इस बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीकमगढ़ विधानसभा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक आम सभा को संबोधित किया गया। आम सभा के दौरान एक जन सैलाब देखने को मिला। आम सभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा गया। कहा गया कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी उनके द्वारा कई योजनाओं को बंद कर दिया गया था और गिनाए कांग्रेस के 10 पाप, इसी के चलते उनकी सरकार ज्यादा समय नहीं टिक पाई। इसके साथ ही खरगापुर विधायक राहुल सिंह ने कॉलेज की मांग एक बचे हुए 20 गांवों को बांध सुजाकर नल योजना से जोड़ने सहित अन्य मांगे की, जिन्हें शिवराज सिंह ने सरकार बनने के बाद पूरा करने के लिए कहा। और ऐसे लोग जिनके यहाँ कर्मचारी हो और दूसरे प्रदेश की कोई ग्रुप में आए, ऐसे लोगों के हाथ में अपनी विधायक की जगह उनके दर्जा बताओ, अरे उनके दर्जा। मैं आज आप सबके हाथ जोड़ कर प्रार्थना करके आया हूँ, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए, विकास के कामों को आगे बढ़ाना है और इसके लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? आप सबसे प्रार्थना है, राकेश गिरी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार है, सहज है, सरल है, दिन और रात आपकी सेवा करेंगे और इनके साथ मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आपकी सेवा करने के कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जय श्री मंत्री के रूप में धीरेन जी आपकी सेवा करते हैं और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, कोई चूक न हो जाए, कमल पर फुर्ती बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए, राकेश गिरी को विधायक बनाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आशीर्वाद दें। सब तैयार है, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, राकेश गिरी को अपना विधायक बनाएंगे। नीमच की तीनों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस की तीनों प्रत्याशियों ने विधानसभा जीतकर कांग्रेस के तीनों सीट कमलनाथ को समर्पित करने का आश्वासन दिया। आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, महाराजा नहीं हूँ, मामा नहीं हूँ,
किसान नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शिवराज के राज में घोटाला प्रदेश बना है, यहां कमीशन और घोटालों का विकास हुआ है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। राजा नहीं हूं, शिवराज सिंह कहते हैं मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं, मैं तो आपका भाई हूं। और आपने तो भाई का रिश्ता पिछले चुनाव में समर्थन नहीं किया, पर भाई ने आपके आकर मुझे याद है अतिवृष्टि हुई थी, मैं शुरू में ये कह रहा हूं अतिवृष्टि हुई थी और मैंने आपके बीच में आया था। जब मैं भोपाल वापस पहुंचा मैंने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मैं देख के आया हूं, इनको फौरन मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारियों ने मुझे कहा हम सर्वे करवाएंगे, मैंने कहा तुम कौन होते हो सर्वे करने वाले, जब मैं सर्वे करके आया हूं, इनका मुआवजा इनको फौरन मिले, हफ्ते भर में नहीं मिला मैं आपके ऑफिस में ताला लगा दूंगा और आपको हफ्ते भर में मुआवजा मिला मिला आप सबको। आज पूरे प्रदेश का चेहरा आप सबके सामने है। ये चुनाव जो है ये किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से रूबरू हुए, इस दौरान उन्होंने कहा मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताएं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर कहा कि कमलनाथ के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्हें बताना चाहिए कि 18 महीने में उन्होंने क्या किया, 2003 से पहले 10 साल तक कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने क्या किया, 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने क्या किया, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वे बस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 18 महीने में उनने क्या किया, कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2003 से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया, कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया, बताने के लिए कुछ है नहीं, गाल बजाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छा नहीं। मैंने तो बताया ना कि राहुल गांधी जैसे नेता की 7 बार लॉन्चिंग फेल हो गई है तो ये बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कल छिंदवाड़ा गया था, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कठिनाइयों में हैं, अगर वह वहां हार जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, वहां मेरे अवलोकन के अनुसार वे हताश भरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने सीधे सवाल उठाए उसमें आक्रामकता किस बात की है भाई, लेकिन क्या हम इस बात को छोड़ दें, अभी मैंने अतीत की बहुत विधों को रिकॉल किया, ये तो रिकॉर्ड की बात है, इसलिए मित्रों मैं कल गया था छिंदवाड़ा भी, वहां रहा मेरी प्रेस भी थी, बातचीत भी हुई, मैंने कहा वहीं बोलूं, मैंने कहा भोपाल में बोलूंगा, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बहुत कठिनाई में है मैं आपको कह देना चाहता हूं, और वो हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा बिल्कुल, जिसे एक हताशा भरी लड़ाई कहते हैं ना, कैंपेन ऑफ डेस्परेशन, वो वहां है, लोगों ने देखा है वहां पर, तो ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत कर बताए। कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है, वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताए।
कसडोल नगर के इंदिरा देवी गोराहट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य वर्षा शर्मा के द्वारा स्कूली बच्चों को लेकर पूरे नगर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। रैली गायत्री चौक, हिमाल चौक, बाजार चौक होते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया गया। रैली में स्कूली बच्चे ने बैनर पोस्टर में जो बांटे दारू साड़ी नोट उनको कभी ना देंगे वोट के नारों के साथ मतदाताओं को किसी भी नेताओं के बहकावे में ना आकर ईमानदार प्रत्याशियों को वोट करने के लिए अपील की गई है। नारों के माध्यम से भी लोगों को मतदान के लिए के प्रति जागरूक किया गया। दरअसल आगामी 17 नवंबर को कसडोल विधानसभा में मतदान होने हैं, जिनको लेकर कई स्कूल और संगठन के लोग मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम राशि शाहू है और हम लोग मतदाता के लिए वोटिंग के लिए रैली निकाल रहे हैं। हमारे प्राचार्य माननीय वर्षा मैम जी द्वारा ये रैली निकाली जा रही है और ये पूरे नगर नगर में हम लोग घूम कर सबको इसके बारे में प्रचारित करना चाहते हैं कि वो अपने घरों से निकले और वोटिंग दे, जिससे हम इस वोट का मतलब है कि जो हमारे देश और नगर को और नागरिकों को व्यवस्थित रख सके और यहाँ के कार्यों को देख रेख कर सके। और मैं चाहती हूँ कि सब एक किसी की चीज़ के लालच में ना आकर अच्छे नागरिक को ही वोट दे ताकि हमारा देश आगे उन्नति कर सके। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मैं इंदिरा देवी गौरा स्कूल की प्राचार्य हूँ। आज हमारे द्वारा मतदाता जागरूकता निकाली गई है, जिसे मतलब लोकतंत्र का यह एक बहुत ही लोकप्रिय एक त्यौहार है। इसमें जो इलेक्शन जो होता है उसमें सभी नागरिकों से हम अपील कर रहे हैं कि वो घर से निकलकर अपना वोट डालने के लिए आए। और ये है कि कभी किसी लोभ में ना आए कि क्या बोलते हैं ये हमको पैसा दे रही है तो हम इसको चुनाव करे करके हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी से ही जो ईमानदार व्यक्ति। फिलहाल ANB न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।